हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुटेनमेंट हब के इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दास जी के क्वेश्चन देंगे और उनके आंसर भी बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मुंबई महानगर का STD कोड क्या है? ऑप्शन ए 011, ऑप्शन बी 022, ऑप्शन सी 033 या ऑप्शन डी 044। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 022। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के नाम से घोषित किया? ऑप्शन ए वरदराज, ऑप्शन बी महाबोधि, ऑप्शन सी कालीघाट, ऑप्शन डी चामुंडेश्वरी। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी महाबोधि। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी असम में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी असम में। तो आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे? ऑप्शन ए CD देशमुख, ऑप्शन बी सचिंद्र राय, ऑप्शन सी S मुखर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आज का हमारा है पांचवा क्वेश्चन, 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी पल्लव। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पल्लव। तो आज का हमारा है छठा क्वेश्चन, मांस उत्पादन के लिए बकरी की उपयुक्त नस्ल है? ऑप्शन ए लोही, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी जमनापारी, ऑप्शन डी अलवरी। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सिरोही। तो आज हमारे सातवां क्वेश्चन, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1951 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1950 में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी कॉन्टिनेंट, ऑप्शन सी कंप्लीट, ऑप्शन डी क्रेडिट। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए कोर। तो आज का हमारा है नवा क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा एवं अंतिम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1761 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1576 ईस्वी में। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, मुगल काल में किस भाषा को रेखनता कहा गया है? ऑप्शन है उर्दू, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी फारसी। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब।
इसका जवाब ऑप्शन है उर्दू। तो ये थे आज के हमारे 10 जीके क्वेश्चन और उनके आंसर। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया होगा, कमेंट में बताया होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते तो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर। और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।